नमस्कार, मैं प्रज्ञा धारदा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। खुली सीमा का लाभ उठाकर तस्कर बिहार से नेपाल में खाद की तस्करी कर रहे हैं। पिछले एक महीने में केवल सुपौल जिले में खाद तस्करी के 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। अररिया जिले में भी पिछले 3 महीने में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बिहार में यूरिया के लिए हाहाकार है और सीमा पार नेपाल में बिहार की यूरिया से खेतों में हरियाली छाई है। भारत दुनिया के सभी देशों में अपने स्थानिक मिशन स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 48 देशों में भारत के स्थानिक मिशन नहीं है। हालांकि ये बहुत छोटे देश हैं, जिनमें से ज्यादातर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों में है। मौजूदा समय में इन देशों से जुड़ा कार्य नजदीक के देश में स्थित भारतीय मिशन द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत की कोशिशें हैं कि सभी देशों में स्थानिक मिशन स्थापित किया जाए। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं से कारण लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार को गया में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। गया में पारा 3.7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी पटना में भी ठंड का कहर जारी है। राज्य में आज सुबह का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। ठंडी हवाएं 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद चुनावों में वोटिंग करने की उम्र और चुनाव लड़ने की सबसे कम उम्र के बीच समानता लाने पर चर्चा चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। सूत्रों ने बताया है कि चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और विधान परिषदों के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता के रूप में न्यूनतम आयु सीमा को कम करने के पक्ष में नहीं है। मंगलवार को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने अररिया संग्राम गांव में मिथिला अर्बन हाट का निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम समाधान यात्रा के तहत अररिया संग्राम गांव में मिथिला हाट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली हाट के तर्ज पर बने मिथिला अर्बन हाट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन होना है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, प्रभारी डीएम सह उप विकास आयुक्त विशाल राज ने मिथिला अर्बन हाट का बारीकी से जायजा लिया। 1 फरवरी 2023 को संसद में नए वित्त वर्ष 2024 के लिए आम बजट पेश होना है और आगामी 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष 2022-23 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन चालू वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही के पहले महीने में केंद्र सरकार चिंता में है। सरकार के चिंतित होने का कारण यह है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% से रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। कहा यह जा रहा है कि डिमांड में नरमी आने की वजह से देश की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आने की आशंका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राजद विधायकों में आक्रोश तेजी से फैल रहा है। सुधाकर सिंह के बाद कई ऐसे विधायक हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रहे हैं। राजद नेतृत्व अपने विधायकों के आक्रोश को रोकने में या तो विफल है या फिर मौन समर्थन है। शायद इसलिए सुधाकर सिंह के बाद एक और विधायक ने नीतीश कुमार को तानाशाह बताते हुए सत्ता परिवर्तन की बात कही है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने वाले अपने विधायकों को चेतावनी दी है और कहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई कंपनियों का अधिग्रहण कर चुके हैं। अब तक इन सब के बीच में रिलायंस ग्रुप ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ रुपए का सौदा किया है। अब इस ड्रिंक के जरिए अंबानी की प्लान आम लोगों के सस्ते में ड्रिंक का उपलब्ध कराना है। इस कारोबार के अधिग्रहण के बाद सीधी टक्कर कोका कोला और पेप्सी के साथ होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक मामले में सीएम नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे में जो भी प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं उन सभी के तार नालंदा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सीएम की समाधान यात्रा पर भी संजय जायसवाल ने तंज कसा है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पर्यटन छोड़ छात्रों के भविष्य की चिंता करें। ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। इस ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है कि बड़ी अनाउंसमेंट, फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 की पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ऑस्कर के लिए भारत की 5 फिल्मों में से एक है। मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय सिनेमा के लिए यह एक महान वर्ष है। इस तरह से अपनी फिल्म की इस बड़ी कामयाबी को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी खुशी जाहिर की है। देश को अब शीघ्र ही 8वीं वंदे भारत मिलने जा रही है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, जहां वे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ कई और विकास परियोजनाओं को शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सिकंदराबाद स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि अब तक देश के 7 रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है। भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करना, वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र में बदलने का उद्देश्य तय किया गया है। सरकार ने हाल ही में इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मिशन के तहत यह उम्मीद की जा रही है कि भारत 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस मिशन के तहत 6 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 11% बढ़कर 10,846 करोड़ रुपए रहा। हालांकि कंपनी का लाभ मार्जिन घटा है, लेकिन भविष्य के सौदे को लेकर कंपनी काफी आसान्वित है। TCS ने कहा कि विदेशी मुद्रा में आय बढ़ने और कुल वृद्धि से उसका लाभ बढ़ा है। इसके साथ ही कंपनी ने कई साल बाद कर्मचारियों की संख्या में कमी की सूचना भी दी। हालांकि कंपनी ने कहा कि इस गिरावट का कारण मांग का कमजोर होना नहीं है और वह अगले वित्त वर्ष में करीब 1.50 लाख कर्मचारियों को नियुक्ति करेगा। सरकार अगले वित्त वर्ष में IDBI बैंक का विनिवेश कर देगी। बैंक में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों ने रुचि दिखाई है। सरकार और जीवन बीमा निगम दोनों मिलकर IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। सरकार ने चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए 65,000 करोड़ रुपए के विनिवेश को लक्ष्य रखा है। किसान के खाते में जनवरी महीने में किसी भी दिन सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी की जा सकती है। इस बीच किसानों के पास EKYC कराने का भी मौका है। वहीं आशंका ये भी है कि भूलेखों के सत्यापन के चलते लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आ सकती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का क्रेज लोगों में चरम पर होता है। लोग अधिक उत्साह में सावधानी बरतना भूल जाते हैं। इस तरह की लापरवाही से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। कई बार ये जानलेवा भी साबित होती है। इस बात की गंभीरता से लेते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोन स्तर पर ये एडवाइजरी जारी कर स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और अभी तक भी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत गरीब लोगों को LPG कनेक्शन मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें कनेक्शन के साथ आपको गैस चूल्हा व घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाता है, जिससे आपका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर सियासी गलियारों में बवाल मच सकता है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी इटालियन है, इस देश के नाम पर धब्बा है और हमारा कर्तव्य है कि हम हर अंतिम अंग्रेज को इस देश से बाहर करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तब सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, तो उस समय कृतित्व और राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने यह कहा किसी बाहरी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। दिसंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद टाटा मोटर्स के शेयर ने जोरदार उड़ान भरी है। मजबूत रिजल्ट का असर कंपनी के स्टॉक पर नजर आ रहा है। ग्लोबल स्तर पर कंपनी की थोक बिक्री में 13% से अधिक का इजाफा हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग ने सोमवार को अग्रणी वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद गोयल ने अपनी कई ट्वीट्स में बताया कि इन दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ उन्होंने भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 9 से 11 जनवरी 2023 तक अमेरिकी दौरे पर है। इस दौरान कारोबार के नए क्षेत्रों की पहचान भी जोड़ दी गई है। इसके बाद में गोयल ने अमेरिका शेयर बाजार नैस्डेक में अमेरिका भारत कारोबार परिसर की तरफ से आयोजित एक ग्लोमेज बैठक में भी हिस्सा लिया। भारत के तीसरे सबसे बड़े ऑटो मार्केट बन जाने के बाद इस पर वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है। वे मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि 80 के दशक में जब मैं खुद बिजनेस स्कूल जाता था, उन दिनों ऑटो वर्ल्ड में केवल और केवल जापान का ही नाम चर्चा में रहता था। वहीं अगर मैं उन दिनों अपने किसी विदेशी साथी को कहता था कि इस रेस में एक दिन भारत जापान से आगे निकल जाएगा, तो वे जरूर मुझ पर हंसते। हालांकि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारत में कोरोना का खतरा अब काफी कम हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के महज 121 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,46,80,045 हो गए हैं। कृषि उत्पादों के प्रोडक्शन निर्यात के मामले में भारत लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गन्ना, आलू, गेहूं, धान में भारत की विश्व में अलग ही पहचान है। किसानों की मेहनत की बदौलत करोड़ों हेक्टेयर में फसलें पैदा की जाती है। चाय की खेती में भी भारत अलग ही पहचान बना रहा है। विशेष बात यह है कि भारत की चाय चुस्की विश्व के कई देश ले रहे हैं। चाय के निर्यात के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच चाय का निर्यात 18.53 करोड़ किलोग्राम रहा, यह 18.1% बढ़ा है। वहीं पहले यह 16 करोड़ किलोग्राम था। कोरोना महामारी के कारण सैलरी क्लॉज को 2022-23 के आम बजट में किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई। इस बार 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें की जा रही हैं। इसका कारण यह भी है कि चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में उम्मीद है कि वित्त मंत्री महामारी के बाद बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। इस दौरान आज यहां दोनों नेताओं ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और रक्षा संबंधों के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और गुयाना के लोगों के बीच मित्रता के 180 साल पुराने ऐतिहासिक संबंधों को याद किया तथा उन्हें और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वाराणसी से गंगा नदी पर दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 13 जनवरी से अपने सफर की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया इस सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नदी में चलने वाला क्रूज जहाज MV गंगा विलास वाराणसी से अपने पहले सफर पर रवाना होगा।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को टोल टैक्स के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों को अप्रैल से टोल टैक्स में भी देना पड़ेगा। प्रस्तावित नए टोल टैक्स कीमतों के तहत कार पर 610 रुपए और हल्के कमर्शियल वाहनों पर 965 रुपए टोल टैक्स तय किया गया है। मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में छठी किस्त के तहत इस महीने 132 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। इस्पात मंत्रालय के तहत MSTC विभिन्न सामग्रियों और खनिजों तथा खानों की ई नीलामी करता है। उन्होंने मीडिया को बताया कि यह नीलामी की छठी किस्त होगी, जिसके तहत 132 कोयला और 9 लिग्नाइट खदानों के सहित कुल 141 ब्लॉकों के बोली के लिए रखा जाएगा। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन अब अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की योजना बना रहे हैं। मीडिया में चल रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूह इस बार अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ही वो आतंकी संगठन है जो प्रमुख रूप से राम मंदिर पर आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी समूह नेपाल के रास्ते गोला बारूद और आत्मघाती हमलावर लाने की योजना बना रहे हैं। इंडियन रेलवे ने देश भर में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए फैसला लिया है कि अब जनरल टिकट लेने वाले यात्री भी स्लीपर क्लास में सफर कर सकते हैं। रेलवे ने बुजुर्गों और गरीबों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे इन लोगों को सफर करने में आसानी होगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि यादव, अभिका किरण, अनवर करीम खान, उन्नो गोलू कुमार, के सिन्हा, रविशंकर, MD साकिर हुसैन, राजकिशोर कुमार, अखिलेश कुमार, अर्जुन राम, मुस्ताक अनारी और MD नौशद राजा। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इंडियन रेलवे ने देश भर में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए फैसला लिया है कि जनरल टिकट लेने वाले यात्री स्लीपर क्लास में सफर कर सकते हैं। आपके अनुसार यह फैसला कितना मददगार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।